दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम। श्रीवंत चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हेडलाइंस पर जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले सिटी वन परिवार की ओर से हमारे प्रिय दर्शकों से अपील है। अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बेवजह सड़कों पर ना उतरें और अधिक से अधिक जितना भी संभव हो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें कोरोना महामारी को देखते हुए। अब आइए देखते हैं हेडलाइंस। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व यूनिफॉर्म के संबंध में संबंधित अधिकारियों से की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। एसपी सिटी ने कोतवाली थाने का किया निरीक्षण, शस्त्रागार में पहुंच शस्त्रों के रखरखाव का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने सेतु निगम के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों के दौरान पुल निर्माणों के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नियमों का माखौल उड़ाने पर गोलघर के चश्मा की दुकान को सिटी मजिस्ट्रेट ने किया सील, नहीं कर रहे थे रोस्टर के नियमों का पालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों में किया जाएगा खाद्य का वितरण। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य स्थलों पर लगाए गए 25 सीसीटीवी कैमरे, किसी भी गतिविधि का तत्काल पुलिस करेगी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन ने वर्ष 2020 में किए जाने वाले वृहद वृक्षारोपण तैयारी की संबंधित अधिकारियों से की समीक्षा। बौद्ध संग्रहालय स्थित बाल वीथिका में जल्द इतिहास दर्शाने वाले 19 स्वचालित झांकियों को देख सकेंगे बच्चे। राजनीतिक पार्टियों ने गलवाल घाटी एलएसी झड़प में शहीद हुए भारतीय वीर सैनिकों को कैंडल जलाकर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। और एनएसयूआई ने चाइना के राष्ट्रपति का विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में विद्यालयों में चलने वाले मध्याह्न भोजन और बच्चों को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म के संबंध में अधिकारियों से एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई। आने वाले सत्र में स्कूली बच्चों को समय से मध्याह्न भोजन और यूनिफॉर्म मिल सके, इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा, विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा कोतवाली थाना परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फाइलों की रखरखाव, फरियादियों की समस्या व कोतवाली थाने पर आने वाले पीड़ितों को
दी जाने वाली सुविधाओं का गहनता से निरीक्षण कर थाने पर मौजूद शस्त्रागार में शस्त्रों के रखरखाव के संबंध में मौजूद कर्मियों से जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खाना परिसर का नक्शा है कि नहीं? Thank you.
बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। कप्तान साहब के निर्देशानुसार एक फॉर्मल इंस्पेक्शन जो होता है थानों का वो किया जा रहा है, उसी के क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र का आज इंस्पेक्शन किया जा रहा है और यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, चाहे बिल्डिंग है, चाहे आवासीय परिसर है, जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बाकी अन्य चीज़ें हैं, उन सभी का इंस्पेक्शन किया जा रहा है और काफ़ी चीज़ें संतोषजनक मिली हैं। जो जहाँ जहाँ कमी है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, कोरोना संक्रमण में आपने ये कोरोना संक्रमण से पुलिस वालों को बचाने हेतु एक विस्तृत SOP बना के सभी थानों को भेजी गई है, उसी के अनुपालन में यहाँ पर बाहर से आने वालों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था, साथ में सभी कर्मियों के लिए गणना के दौरान टेम्परेचर और ऑक्सीजन नापने की व्यवस्था भी की गई है और साथ में अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि कोई भी सिम्टम आने पे उसके से तुरंत अवगत कराएं, तथा हर प्रभारी को इस बारे में भी निर्देशित किया गया है कि अगर उनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोरोना संक्रमित या संदिग्ध निकलने की संभावना बनती तत्काल ऊपर सूचित करते हुए उन्हें पुलिस लाइन स्थित क्वारंटीन बैरक जो कप्तान साहब द्वारा तैयार कराया गया है वहाँ पर उनको तुरंत ही ट्रांसफर करा दिया जाए ताकि आगे की कार्रवाई और आगे की टेस्टिंग कराई जा सके। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने जिला अधिकारी सभागार में सेतु निगम के अधिकारियों के साथ विभिन्न फोरलेन आदि जगहों पर हो रहे निर्माण कार्यों के दौरान बनाए जाने वाले विभिन्न पुलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समय रहते निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान SDM सदर गौरव सिंह सोग्रवाल सहित सेतु निगम के संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठने के लिए उनके लिए लेटरिन बाथरूम चौकदार के लिए क्वार्टर्स था, वो पोर्शन टूटेगा मेरा सर, गोडाउन हमारे सेफ रह जाएगा। उसमें सर एक यहाँ से वहाँ तक इंटरसन मूव कर गया। अभी जो हमारे चीफ इंजीनियर थे सर दिल्ली में, उन्होंने दो क्वेरी लगा करके एक लेटर परसों आपके पास मिल आया होगा सर। उन्होंने दिया है सर, एक मिनट सर, कैलेंडर है गोरखपुर के जिला प्रशासन की ओर से अनलॉक वन के तहत रोस्टर के आधार पर दुकानों को खोलने की शर्त के साथ इजाजत दी गई, जिसका पालन अधिकांश दुकानदार कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारोबारी हैं जो प्रशासन के बनाए गए नियमों का माखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे में उनको सबक सिखाने के मकसद से सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अगुवाई में गोलघर स्थित कोलकाता चश्मा घर को सील किया गया। जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई इसलिए की गई कि ये दिन चश्मा की दुकानों को खोलने का नहीं था। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने इस दुकान को सील करवा दिया और कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से आत्मनिर्भर भारत योजना के क्रियान्वयन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्रवासी मजदूरों को खाद्य वितरण किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी GP राय, DSO आनंद कुमार सिंह, ARO अजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज हम सत्र जो बैठे हैं 20 मई को चिट्ठी आती है, एक महीने के अंदर कार्ड बनना और बट जाना इतना आसान काम है तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता, सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के द्वारा SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्रों की पूरी निगरानी के लिए व क्षेत्र में हुए किसी भी घटनाक्रम को तीसरी आंख में कैद करने के लिए पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य स्थलों पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा लगभग 25 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पुलिस क्षेत्र में हर गतिविधियों पर बराबर नज़र रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा कप्तान साहब के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में कई जगह पर ऑप्टिकल फाइबर की एक नेटवर्क को लगाते हुए यहाँ पे CCTV कैमरा लगवाया गया है जन सहयोग के माध्यम से, और ये पुलिसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है और इनके द्वारा ये किया गया प्रयास सराहनीय है और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कप्तान साहब द्वारा भी की गई है। कितने कैमरे लगाए गए हैं? कुल 25 से भी ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और सभी मुख्य चौराहों को कवर किया गया है, और सबसे अच्छी बात इस पूरे सिस्टम की ये ऑप्टिकल फाइबर युक्त है और कैमरों का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होने के कारण काफ़ी अधिक डिटेल भी निकल के आ जाती है। ये अभी हर जगह प्रयासरत रहेंगे, अभी इनके द्वारा ये प्रयास करके किया गया, अन्य थानों को भी इसके लिए बताया जाएगा कि अधिक से अधिक कैमरे कवरेज बढ़ाएं। इसके लिए कप्तान साहब द्वारा भी बार बार आदेश दिए गए और अभी क्योंकि बाकी जगहों पर हम डिसेंट्रलाइज कैमरा बढ़ाते हैं, ये पहला थाना है जिसमें एक सेंट्रलाइज लेवल पर थाने से मॉनिटरिंग है, तो एक पूरा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया, तो ये काफी सराहनीय कदम है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सुधीर गर्ग ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वर्ष 2020 में किए गए वृहद वृक्षारोपण की तैयारी के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। वहीं विगत वर्षों में किए गए वृक्षारोपण की स्थिति को जाना और वृक्षों के रखरखाव सहित अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान गोरखपुर मंडल के वन संरक्षक दीपक कुमार, प्रभारी वन अधिकारी अविनाश कुमार, प्रभारी निदेशक वन अधिकारी देवरिया प्रमोद कुमार गुप्ता, प्रभारी वन अधिकारी कुशीनगर आदि मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं, इसका अर्थ ये होगा कि दो या तीन स्थान ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा, एक अवध में होगा, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा, उस हिसाब से इतनी जगह हो। बहुत जल्द पूर्वांचल के बच्चे राजकीय बौद्ध संग्रहालय में भारत के ऐतिहासिक विकास को स्वचलित झांकियों के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। इस विथिका में 19 से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों की स्वचलित प्रस्तुतियां की जाएंगी, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इस विथिका में गोरक्षनाथ, गीता प्रेस, भगवान बुद्ध, कबीर, जैन जैसे अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया। ये बाल वीथिका बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाई गई है कि बच्चे हमारे प्रारंभ काल से लेकर के और टिल नाउ आधुनिक काल तक हमारे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से जान सकें, और बच्चों को चूँकि ध्यान में रख कर के वीथिका बनाई गई है, इसका नाम भी बाल वीथिका रखा गया है, तो स्वचालित इसको रखा गया है कि वो आए तो देखें कि ये चीज़ें कैसे होती थी या उस काल में कैसे थीं, तो उनको उस काल में ले जा करके हमको अनुभव कराना इस बाल वीथिका का उद्देश्य है। देखें, अब तक 5 वीथिकाएँ हमारे कार्य कर रही थी, लेकिन इसके खुलने के बाद 6 वीथिकाएँ हो जाएंगी, और मनोरंजनपूर्ण तरीके से हम इतिहास को बता पाएं, ये हमारा प्रयास है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा चीनी सेनाओं के पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के गलवाल घाटी में शहीद हुए भारतीय वीर सैनिकों को कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान कविश दुबे, शिवशंकर गौड़, अनूप यादव, ईश्वर अशोक यादव, दीपक निषाद सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। Yeah.
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया, इनके द्वारा हमारे सैनिकों को मारा गया है। आज हम लोग उसको लेकर के बहुत ही मर्माहत हैं और उसी के क्रम में हम लोग श्रद्धा सुमन के क्रम में आज कैंडल मार्च लेकर के आए थे उनकी आत्मा के शांति के लिए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम समाजवादी लोग आज इस संकट की घड़ी में सभी लोग सरकार के साथ हैं और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि चीन से जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो सामान हम वहाँ से आयात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अब बंद कर देना चाहिए। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान की अगुवाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, बहुत ही गहरी संकट है। देश में मातम सा छाया हुआ है। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 शहीद हमारे जवान मारे गए हैं, जिसके अदम्य और वीरता बलिदान का साहस उन्हें हम लोग एक शोक सभा करके श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को शक्ति दे रहे हैं और उनके परिवार के साथ हम सारे कांग्रेस जन हैं और वीर जवानों को हम लोग अपने जिला को गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर चाइना के विरोध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने चाइना के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए NICU के प्रदेश अध्यक्ष सुमित पांडे ने बताया, आज चाइना द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके विरोध में हमने चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का पुतला और राष्ट्रपति का पुतला फूका गया है और इसका प्रतीकात्मक पुतला फूक के इसका हम निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत और अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहे सिटी वन चैनल। साई प्रणाम।